ठग हर दिन ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। पहले तो साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप और फोन कॉल पर ठगी का शिकार बनाते हैं, जो दूर से करते रहे और कुछ हद तक पुलिस की लाख प्रयासों के बाद भी बच जाते रहे। अब तो हद ही कर दी, जब आपके दरवाजे पहुंचकर आपको शिकार बनाकर चले जा रहे हैं। और एक हम है कि लाख शासन प्रशासन की जागरूकता के बाद भी शिकार बन जाते हैं और सर पीटते हुए पहुंच जाते हैं पुलिस के पास। ऐसा ही एक मामला थाना गोपी अंतर्गत आया है, जहां दुकानदार को चकमा देकर ठगे हजार रुपए। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमवा निवासी सूरज गौड़ पुत्र संतोष गौड़ की दुकान पर पहुंचा व्यक्ति 4000 रुपए की ठगी कर निकल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि सूरज गौड़ पुत्र संतोष गौड़, जो कि मोबाइल शॉप की दुकान के साथ ही पैसे की लेन देन का भी कार्य करता है, दिन मंगलवार को शाम 6 बजे के लगभग एक व्यक्ति आया और बोला कि हम आपके खाते में 3000 रुपए डाल देते हैं, हमें पैसे दे दो। हमारे खाते में 15 मिनट बाद पैसा आया, हमने उसे दे दिया। दोबारा फिर उसने 3000 डाले और दोबारा मैसेज देर में आया, मैंने उसे फिर रुपए दे दिए। इसी तरह विश्वास में लेकर तीसरी बार 4000 रुपए डाले और मैसेज नहीं आया और रुपए लेकर यह कहते हुए चला गया कि अभी मैसेज आ जाएगा। मैसेज रात तक नहीं आया तो हमने फ़ोन किया तो वह बोला कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं आया, आ जाएगा। उसके बाद सुबह फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा है। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, थाने में तहरीर दे दिए, पुलिस अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सावधान रहे, सतर्क रहें। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। सुरेश कुमार गौड़, हमारा दुकान अमवा मार्केट, अमवा मार्केट गोपीगंज भदोही के पास है, अमवा मंदिर के पास। हमारे पास एक शाम को एक आदमी आया और बोला हमें कैश चाहिए। हम बोला कि हाँ मिल जाएगा, तो हमारे में वो 30 रुपया डाला और वो बैलेंस हमारे में 15 से 20 मिनट बाद आया, उसके बाद 3000 कैश दिए। तीन हज़ार तीस एक बार फिर डाला दोबारा, तो वो भी 15 से 20 मिनट बाद आया, फिर उसके बाद हम 3000 उसे कैश दिए। फिर उसके बाद फिर वो 4040 रुपया डाला, वो कैश बोला 15 से 20 मिनट में आ जाएगा, लेकिन वो पेमेंट हमारे में आया नहीं है। उसको हम 4000 रुपया कैश दे दिए और उसका मोबाइल लगाने पर स्विच ऑफ बता रहा है। सुबह आज सुबह फ़ोन किए तो फ़ोन उठाया, बोला कि अभी सो रहे हैं और अभी आपको कॉल बैक करते हैं, लेकिन फिर से लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा है। नहीं नहीं, तो जब 4040 आपने दिया उसको तो वो तुरंत चला गया कि रुका था? 4040 जब दिए तो तुरंत चला गया। तो जा रहा था तो आपने रोका नहीं उसको? तो जा रहा था तब तो सोचो, बोला कि 15 से 20 मिनट जैसे ये आया आपका 3030 रुपये, वैसे ये भी आ जाएगा, यही सोच कर हम उसे रोके नहीं, वो चला गया। तो उसके बाद फिर आप उसको कॉन्टेक्ट करते रहे? हाँ, उससे हम कॉन्टेक्ट किए, हम उससे लगभग 11 बजे रात तक कॉन्टेक्ट किए, उनसे बात भी किया, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सुबह आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम आपसे मिलेंगे। तो सुबह हम जब फ़ोन लगाए तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ पर आ था, 9 बजे के बाद उसका मोबाइल ऑन हुआ, तो फ़ोन लगाया तो सोया हुआ था, बोला अभी हम सो रहे हैं और जब हम उठेंगे उस वक्त उठेंगे तो आपको कॉल बैक करेंगे। और उसके बाद उसका कॉल बैक नहीं आया तो हम फ़ोन किए, तो उसका मोबाइल तब से स्विच ऑफ आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इस संबंध में आपने पुलिस से सूचित किया है? उसके लिए हम यहाँ एप्लीकेशन लिखे।